हम लोग जो है पहले दो आदमी माधापुर से हम लोग चार मीनार के लिए निकला था। तो एक्चुअली अगर आप जो है चार मीनार जाना चाहते हो तो मेट्रो से अगर जाना चाहते हो तो आपको अब अगर किधर से भी आ रहे हो तो आपको डायरेक्टली जो है मेट्रो नहीं मिलेगा। अगर आप मेट्रो से कहीं भी जगह से आ रहे हो तो आपको मेट्रो से आके आपको AMG बस स्टॉप में उतरना होगा, और AMG बस स्टॉप में उतर के उसके बाद आपको कोई भी ऑटो या तो टैक्सी करना होगा, जो कि AMG बस स्टॉप से 2 किलोमीटर है आपको चार मीनार पहुँचा देंगे। और ऑटो में जो है 50 रुपया या तो फिर 40 रुपया एक एक पैसेंजर के ऊपर लेते हैं। तो हम लोग जो है चार मीनार में पहुंचा, उसके बाद चार मीनार में जाने के बाद फिर वहां पे पहला जो है एंट्री का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई फीस नहीं है, आप फ्री में जो है चार मीनार के अंदर जा सकते हो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, अगर आप चार मीनार के ऊपर जाते हो, अगर आपको ऊपर चढ़ने का है तो उसके लिए जो है आपको 25 रुपीज़ पर मतलब आदमी को देना पड़ेगा, पर पर्सन आपको 25 रुपीज़ आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो टिकट लेने के बाद ही जो है आप चार मीनार के ऊपर चढ़ना चाहते हो तो आप ऊपर चढ़ सकते हो, अगर आप नहीं चढ़ना चाहते हो तो आपका मर्जी, आप नहीं भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही तरह तरह का दुकान आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही तरह तरह का सामान आपको बिकते हुए देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम लोग चार मीनार से नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद उसके पीछे जो है आपको मस्जिद देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग मस्जिद पे गया और मस्जिद के बाजू में जो है जो आप अभी देख पा रहे हो ये एक्चुअली पूरा मस्जिद का जो है ग्राउंड है, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। और इसकी बाजू में जो आप देख पा रहे हो ये पूरा कब्रिस्तान है। एक्चुअली राजा लोग पहले यहाँ पे रहा करता था, उन्हीं का जो है पूरा फैमिली का पूरा परिवार लोगों का सबका जो है कब्रिस्तान यहाँ पे बनाया गया है। ये पूरा उन लोगों की कब्रें है, तो सारे जो है उनकी पूरा परिवार वालों का सबका एक ही साथ में कब्र दिया गया है। तो सारे जो कब्र जो आप देख रहे हो उन्हीं की परिवार के रिलेटेड में सब लोगों का है जो राजा यहाँ पर पहले रहता था। तो उसके पास में आपको एक बड़ा सा मस्जिद देखने के लिए मिलेगा, मस्जिद में कम से कम 400 से 500 लोग नमाज पढ़ सकते हैं साथ में। वो मस्जिद जो है बहुत ही बड़ा मस्जिद है, और उसके सामने जो आप देख पा रहे हो बहुत बड़ा सा ग्राउंड भी है। मस्जिद के अंदर या तो मस्जिद के बाहर भी नमाज पढ़ा जाते हैं। और
नमाज पढ़ने के लिए जो वजू का जो स्थान होती है, आप जो देख पा रहे हो ये पूरा वजू का स्थान है। यहाँ पे वजू करके आप नमाज के लिए जा सकते हो मस्जिद के अंदर।